नमस्कार सिडनी के हिंदी न्यूज बुलेटिन में दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होते अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते जीने की राह के इस आज के सुविचार से। अब एक ब्रेक लेंगे, तपश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। अब देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। अमरावती शहर में लगातार चोरियों की वारदातों से नागरिकों में भय व्याप्त है। शहर में एक महीने के भीतर लगभग 20 से 30 चोरी की घटनाएं घटित हुई है। इस पर लगाम लगाने तथा पुलिस प्रशासन चोरों को पकड़ने में जुटा है। अमरावती महानगर के राजापेट थाने अंतर्गत आने वाले एकनाथ कॉलोनी में चोरी हुई तो दूसरी ओर दस्तूरनगर के अपार्टमेंट में एक फ्लैट को तोड़कर चोरी की गई। 28 ग्राम सोना इस फ्लैट से चोरी गया है। परिसर में इससे भय व्याप्त है। शहर में लगातार हो रही चोरियों के वारदातों से नागरिक सहम गए हैं। एक महीने के भीतर लगभग 20 से 23 चोरियां का रिकॉर्ड पुलिस डायरी में दर्ज है। यह सिलसिले को लगाम लगाने पुलिस प्रशासन सतर्कता दिखाए ऐसा नागरिकों का सुर दिखाई दे रहा है। वाहन धारकों से दंड वसूल कर उनको रसीद न दिए जाने से एएसआई मोहन सिंह राठौड़ को निलंबित किया गया। जिन वाहन धारकों को दंड दिया गया उन्होंने एसीपी से शिकायत कर यह कार्रवाई की गई। अमरावती पुलिस मुख्यालय से मोहन सिंह राठौड़ नामक एएसआई को शहर के यातायात विभाग में कुछ दिनों के लिए भेज दिया गया है। रेस थाना परिसर में नो पार्किंग जोन में रखी गई दो टू व्हीलर, इन टू व्हीलर चालकों से दंड वसूल करते उनको रसीद न देने से टू व्हीलर धारकों ने इसकी शिकायत एसीपी से की, जिसके बाद एएसआई मोहन सिंह पर कार्रवाई हुई, जिससे यह पता चलता है कि कानून सबके लिए बराबर है। विवेक जनार्दन बारबदे नामक युवक का दोपहिया से आते वक्त अपघात हुआ। फिलहाल युवक को अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती किया गया। बताया जाता है कि विवेक अपने परिजनों के शादी समारोह से लौटते वक्त अपघात हुआ। अंजनगांव सुरजी मार्ग पर उसके दोपहिया को एक काली पिली ने जोरदार धड़क देकर उसे जख्मी किया। इरविन में मरीज पर उपचार जारी है। अमरावती शहर के विभागीय आयुक्त कार्यालय पर विदर्भ मेंढपाल धनगर समाज की ओर से मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में सैकड़ों ने शामिल होकर विभागीय आयुक्त कार्यालय में पहुंचकर राहुटी आंदोलन किया। अमरावती में विदर्भ मेंढपाल धनगर विकास मंच की ओर से मोर्चा निकाला गया। अपने विविध मांगों को लेकर मेंढपाड़ों ने विभागीय आयुक्त कार्यालय पर राहुटी आंदोलन द्वारा दस्तक दी। मोर्चे में सैकड़ों ने आकर अपने विविध मांगों से शासन को घेरा। विभागीय आयुक्त कार्यालय धमक कर मोर्चेकारियों ने यह आंदोलन किया। मोर्चेकारियों की प्रमुख मांग यह है कि 100 मेंढियों के चराई हेतु 20 एकड़ खाली जमीन मिले। इस मांग को लेकर यह आंदोलन है ऐसी जानकारी दी गई।
पर सोमवार की दोपहर यातायात बाधित हुई, जिसके कारण काफी देर तक नागरिक सड़क पर फंसे रहे। यातायात कर्मी अपने ड्यूटी पर तैनात न होने की वजह से यह ट्रैफिक जाम हुआ था। अगर यातायात कर्मी अपने ड्यूटी पर तैनात होता तो ट्रैफिक जाम न होता, ऐसा ट्रैफिक में फंसे लोगों ने कहा। सोमवार की दोपहर जैसे ही बरसात ने मोहलत दी, शहर के रास्तों पर लोगों की चहल पहल शुरू हो गई। सोमवार की दोपहर अचानक इरविन चौक पर यातायात बाधित हुई, जिसके कारण लंबी की लंबी वाहनों की कतारें देखने मिली। यहां एक भी यातायात कर्मी दिखाई नहीं दे रहा था। रोज यातायात कर्मियों की ड्यूटी यहां लगती है, पर सोमवार की दोपहर कोई भी यातायात कर्मी नहीं होने के वजह से यातायात बाधित हुई, जिसके कारण काफी देर तक ट्रैफिक में लोग फंसे। एक सुजान नागरिक ने आकर यातायात कर्मी की तरह बिगड़ी यातायात सुचारू की। अमरावती पुलिस एक्तलय में सोमवार को सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में शहर के जड़ वाहतूक संबंधी चर्चा हुई, जिसमें 2011 के अधिनियम को ही लागू किया जाए, ऐसी मांग सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने की है। अमरावती पुलिस आयुक्तालय में ट्रक चालक मालक तथा सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पुलिस आयुक्त ने ट्रांसपोर्ट वालों से सवाल पूछा कि आपकी राय शहर में जड़ वाहतूक संबंधी क्या है, जिस पर ट्रक एसोसिएशन ने जवाब दिया 2011 के अधिनियम के अनुसार ही उन्हें रखा जाए। संगठन ने इस वक्त स्पष्ट किया कि अपघात अगर होता है तो इसका प्रमुख कारण ट्रैफिक और रास्ते भी हो सकते हैं, सिर्फ चालक ही जिम्मेदार नहीं रह सकता। जो है 6 चक्का 10 चक्का 12 चक्का से संबंधित टोटल हमारे जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो जितने भी है यूनियन अमरावती में 10-15-20 जो भी है, वो सभी लोग को सीपी साहब ने निमंत्रण दिया था कि जो अधिसूचना जो थी, प्रस्तावित अधिसूचना जो थी, उसके सिलसिले में हमको बुलाया था। तो हमने मुद्दा यही रखा कि जो 2011 की प्रस्तावित अधिसूचना 2011 की अधिसूचना है वही कायम रखो। मुद्दे हमने ये रखे उसके अंदर कि अगर भाई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट ये इसलिए होता है कि आकस्मिक उसको एक्सीडेंट बोलते, बोला नहीं जाता था। हमने मुद्दा वो भी बताया कि जो लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, किसी के घर का मरना नहीं चाहिए, मगर एक्सीडेंट अगर देखे अपन ने पुलिस की क्लिप अगर देखते हैं तो वो लड़की जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ नहीं होना चाहिए, मगर अगर वो कारण अगर देखते हैं अपन तो जो अधिसूचना उन्होंने बोला था कि भाई ये लगेंगी, तो उन्होंने आज मान्य किया है कि भाई अधिसूचना हमने वही जोड़ दिया कि 2011 की रखो करके शुरू रखो। तो उन्होंने बोला कि अभी बाकी लोगों को बुलाएंगे। हमने उनको ये बोला कि अगर भाई पुलिस ने ठेका लिया है कि आधी सूचने का, जब वो एक्सीडेंट होते लोग पुलिस को घेरते, तो घेरने की वजह क्या, उनका जो प्रतिनिधि है, आमदार है, खासदार है, मिनिस्टर है, नगर सेवक है, उनकी भी जवाबदारी है ना, पार्किंग कैसा होना चाहिए। मला हेच म्हणायचं होतं की बा तुम्ही जे प्रस्तावित अधिसूचना काढली, कारण काय काढायला, रस्ते लहान पडून राहिले, नगरसेवक आहेत, आमदार आहेत, पालकमंत्री आहेत, यांचीही जबाबदारी आहे ना, शहरातले रोटे मोठे रस्ते करणं, अतिक्रमण आहे जे तुडून टाकणं, म्हणजे गाड्या सुरक्षित चालतील, ऍक्सिडेंट होणार नाही। मेन मुद्दा तो आहे की शहरातला कायदा सुव्यवस्था का बिघडून राहिला, राजकमल मध्ये गेलो तिथं गाडी टाकायला। आमची मागणी आहे की 2011 ची पुलिस आयुक्तालय तथा मनपा की ओर से संयुक्त कार्रवाई कर महानगर का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिससे छोटे व्यापारियों पर भूखमरी की नौबत आई है। यह अतिक्रमण की कार्रवाई बंद करे, ऐसी मांग नवगर्जना हॉकर संगठन ने RDC मोहन पातुरकर से ज्ञापन द्वारा की। पुलिस आयुक्तालय तथा मनपा द्वारा अमरावती का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, यह अतिक्रमण की कार्रवाई रोकी जाए, ऐसा ज्ञापन हॉकर संगठन द्वारा RDC मोहन पातुरकर को दिया गया। अतिक्रमण जिस जगह का हटाया गया वहां के छोटे व्यापारियों पर भूखमरी की नौबत आई है, ऐसा हॉकर संगठन का कहना रहा। आज 4-5 दिवसापासून जे अतिक्रमण ची तीव्र कारवाई की अमरावती शहरामध्ये सुरू आहे। अतिक्रमणला असे काही घुसलत आहेत, असे ते काही नक्षलवादी आहेत, 10-15 गाड्या बुलडोजरनी त्यांचे सामान चपवत आहेत, त्यांच्या गाड्या उचलून नेत आहेत। आता नुकत्याच लेकरांच्या शाळा सुरू झाल्या,
त्यांच्याकडे शाळेत साहित्य घेण्यासाठी पैसे नाही, त्यांच्याकडे रोजगार नाही. आज आमचे मुलं जे आहेत अकरचे ते शाळेमध्ये चालले नाही. याचं कारण म्हणजे असं कारण त्यांच्या वडिलांचा रोजगार बंद. अगर अशी जी कारवाई सुरू राहिली तर हकर्स हा उपासमारीमध्ये उपासमारीची वेळ आलेली आहे. तो आत्महत्या करायला सुद्धा तयार आहे. आज हकर्स आत्मदहन सुद्धा करायला इथे तयार आहे कलेक्टर ऑफिसच्या समोर. आज आम्ही साहेबांना निवेदन दिलं आहे, अगर येत्या 2 दिवसात कारवाई की नाही थांबली तर आम्ही याच्यापेक्षा मोठं आंदोलन करू, तीव्र आंदोलन करू, आणि जे काही नुकसान होईल याची जबाबदारी महानगरपालिकेने प्रशासनाची हे त्यांनी दखल घ्यावी. जोपर्यंत अमरावती शहरात हॉकर झोन घोषित होत नाही, जोपर्यंत हॉकर्सना स्मार्ट कार्ड भेटत नाही, तोपर्यंत तरी कारवाई थांबू. हे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अवहेलना करत आहे. आणि जे हॉकर्सचा जे कानून लागू झालं संसदेमध्ये 2014 साली त्याची सुद्धा अवहेलना करत आहे. हे नवगर्जना हॉकर संघटना कधी खपून घेणार नाही. हॉकरवर होणारा अन्याय नवगर्जना संघटना कधीच खपून घेणार नाही. याच्याविषयी मोठं आंदोलन करू आणि होणारी जे काही नुकसानीची जबाबदारी ते महानगरपालिका प्रशासनाची. हॉकर संघटनाने इरविन चौक पर इकट्ठा होकर मोर्चा निकाल कर यह मोर्चे द्वारा हॉकर संघटनाने अपने और शासन का ध्यान खींचा. इस वक्त छोटे व्यापारी तथा हॉकर संघटना के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे. सर्वप्रथम हॉकर झोनची निर्मिती करा, समस्त हॉकर्सना स्मार्ट कार्ड द्या. पण अमरावती शहरात असे झाले नाही. जे हॉकर झोन 2017 साली कुंदन कौशिक मॅडमने जे न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है ब्रेक का. ब्रेक के पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. बने रहिए सिटी न्यूज के साथ. ब्रेक के पश्चात तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत अब रूबरू होते कुछ अन्य खबरों से. गरीब तबकों के छात्रों को भी अपनी पसंद की शाला में प्रवेश मिले, इस हेतु शासन की ओर से आरटीआई योजना लागू की गई. पर प्रवेश न मिलने से नाराज कुछ पालकों ने शिक्षणाधिकारी कार्यालय पर दमक कर बैगर शिक्षकों की क्लास शुरू कर यह अनोखा आंदोलन किया. खासगी शालाओं में गरीब छात्रों को प्रवेश मिले, इस हेतु आरटीई यह योजना शासन ने लागू की है. पर इस पर कुछ पालक वर्गों ने आक्षेप किया है. यह योजना सिर्फ नाम की योजना है. इस योजना में पैसा और चेहरे देखकर ही एडमिशन हो रही है. गरीबों के लिए यह आरटीई योजना है ही नहीं. ऐसे तीव्र शब्दों में पालकों ने अपनी नाराजगी बयां की. आम्ही आरटीई या कायदा अंतर्गत शिक्षणाचा अधिकार यामध्ये आम्ही फॉर्म भरले. फॉर्म भरल्यानंतर यांनी पहिला राऊंड काढला. पहिला राऊंड हा प्रसिद्धी माध्यमांसमोर आणि पालकांसमोर काढला. यांनी दुसरा राऊंड काढला नाही. त्यानंतर मग आम्ही कलेक्टर साहेबांकडे सोमवारी चार तारखेला गेलो. आणि 4 तारखेला आम्ही जेव्हा निवेदन दिलं साहेबांना तेव्हा त्यांनी पानसळे साहेबांसोबत काय बोलले आम्हाला काही कल्पना नाही आहे. आणि शाळेमध्ये तुमच्या प्रत्येक मुलांची ॲडमिशन होईल असं त्यांनी सांगितलं होतं. आज 2 आठवडे लोटून गेले. 15 दिवसापासून आमची मुलं घरी आहेत, शिक्षणापासून वंचित आहेत. एकीकडे शासन म्हणते की प्रत्येक मुलांना शिक्षणाचा हक्क आहे. दुसरी गोष्ट की शासन स्तरावर हे सांगतात की 50% वॅकन्सी या खाली आहेत. मग खाली आहेत तर इतर मुलं जे आहेत झोपडपट्टीतले जे स्लम एरियातले गरिबांचे कष्टकऱ्यांचे जे मुलं आहेत त्यांना प्रवेश का नाही आहे. तर आज जिल्हाधिकारी साहेबांकडे आम्ही गेलो होतो. जिल्हाधिकारी साहेब नसल्यामुळे आज आम्ही इथे पांजाळे साहेबांच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयामध्ये आलो. आणि विना शिक्षकांची शाळा म्हणून आज आम्ही आंदोलन भरवलेलं आहे. आणि यानंतर जर आमच्या मुलांच्या जर तातडीनं जर जोपर्यंत आमच्या प्रवेश मिळणार नाही आमच्या मुलांना तोपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रोज शाळेच्या वेळेमध्ये विना गुरुजी शाळा भरेल. बडाली, देवीनगर, नवसारी यहाँ के पालकों ने तीव्र संताप व्यक्त किया है. छात्रों का अभी तक एक भी शाला में प्रवेश नहीं हुआ है. जिलाधीश साहब को भी पहले भी ज्ञापन देकर कोई फायदा नहीं हुआ ऐसा पालकों ने स्पष्ट किया. पहिला राऊंड घोषित केला, त्याच्यानंतर सेकंड पण राऊंड केला. आणि आजही आपल्या जवळजवळ 1000 जवळपास जागा वॅकंट आहे अजून पण. त्या वेगवेगळ्या शाळांमध्ये कुठल्या शाळेत तुम्हाला ते पात्र उद्यापर्यंत मिळून जाईल की कुठल्या शाळेत जागा वॅकंट आहे. राज्य के कायम बिना अनुदानित महाविद्यालय की ओर से कायम शब्द हटाने के लिए कई अरसे से आंदोलन किया जा रहा है. इसी को जोर देते सोमवार को भी राज्य कृति समिति की ओर से एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया. यह आंदोलन कर समिति ने शासन का अपनी ओर ध्यान खींचा. राज्य के कायम बिना अनुदानित महाविद्यालय की ओर से कायम शब्द हटाने के लिए लंबे समय से अभियान जारी है, लेकिन सरकार की ओर से खबर नहीं लिए जाने के चलते महाविद्यालयीन कर्मियों में सरकार के प्रति तीव्र आक्रोश है.
जिसके चलते 11 जुलाई को राज्य कृति समिति की ओर से सभी सहसंचालक कार्यालयों पर एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र राज्य कायम अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालय कृति समिति वती संपूर्ण महाराष्ट्र सहसंचालक कार्यालय कृति समिति ने एक दिवसीय धरने आंदोलना संघर्ष करना निर्णय घेतलेला आहे। मूल प्रश्न असा आहे की राज्यात जी 1163 कायम विरांधित महाविद्यालय सुरू आहेत त्या महाविद्यालयांना अनुदान देणे आणि अनुदान मागणे हे काही भीक मागणे नाही सरकारला। तर या राज्यामध्ये 2001 साली शालेय आणि उच्च माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण या तीनही शिक्षणासाठी एकत्रितपणे निर्णय घेतला होता, मात्र शालेय व उच्च माध्यमिकचा कायम शब्द काढला आणि अनुदान देण्याचा विचार त्या ठिकाणी सरकारने घेतलेला आहे। त्याच धर्तीवर एकत्रित निर्णय झाला असताना आमचं म्हणणं असं आहे की वरिष्ठ महाविद्यालयांचा सुद्धा कायम शब्द काढावा आणि तो काढून या महाविद्यालयांना अनुदान द्यावं अशा प्रकारची प्रमुख मागणी या कृती समितीची आहे। एकंदरीतच राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान केंद्र सरकारचं, त्याची जर अंमलबजावणी करायची असेल तर राज्य सरकारला त्याच्या GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्टच्या किमान 4% खर्च करणं उच्च शिक्षणावर बंधनकारक आहे। आजच्या घडीला आपलं राज्य सरकार 0.14% या प्रमाणात तो खर्च करत आहे आणि यामुळे केंद्र सरकारच्या रुसाच्या अहवालात आपल्या राज्य सरकारवर महाराष्ट्र शासनावर ताशेरेसुद्धा ओढले गेलेले आहेत की इट इज द लोएस्ट स्पेंडिंग स्टेट ऑन द हायर एज्युकेशन आणि त्या अनुषंगानं ही जर सर्व महाविद्यालय अनुदानित केली तर उच्च शिक्षणाचा GER सुद्धा वाढू शकतो। अत्यल्प फीमध्ये जर आपण शिक्षण द्यायला लागलो तरच हे शक्य आहे आणि त्यासाठी अनुदानाशिवाय पर्याय नाही। आज पहिल्यांदा आपल्या राज्यामध्ये खेड्यापाड्यात महाविद्यालय उघडलेली आहेत। एकीकडे उच्च शिक्षणाची गंगा खेड्यातल्या आमच्या सामान्य माणसापर्यंत गेलेली आहे आणि तेव्हा कुठं सरकारचं उलटं धोरण हे कायम अनुदानाचं आहे, हे धोरण हाणून पाडण्याकरताचा आमचा हा संघर्ष। इस एक दिवसीय धरना आंदोलन के जरिए राज्य कृति समिति ने शासन का अपनी ओर ध्यान खींचा। तावड़े जी होश में आओ, कायम विराजनाचे धोरण, कायम विराजनाचे धोरण। अब देखते कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सदर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड सहकार भवन के सामने मोर्शी रोड अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2563833। हमारी वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net। खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।